लोकतांत्रिक जनता दल उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्व महानगर अध्यक्ष अहमद मूसा के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर महाराजगंज जिले में बिना लाइसेंस नर्सिंग होम व पैथोलॉजी के अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई कर सील करने की मांग की। इस मौके पर लोकतांत्रिक जनता दल उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जिंदाबाद नर्सिंग होम बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजबूरी हो। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लोकतांत्रिक जनता दल उत्तर प्रदेश के पूर्व महानगर अध्यक्ष अहमद मूसा ने बताया, मैं महाराजगंज में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम जिसमें अवैध ही वार्षण होते हैं, अवैध शुरू होती है और ज्यादातर मरीजों के मर जा रहे हैं। झोला साहब डॉक्टर का ही नर्सिंग होम है और उसको चलवाते रहे। सीएमओ साहब एक बार कहते साहब सील किया हूँ, दोबारा कहते हैं लाइसेंस दे दिया हूँ, दोबारा कहते फिर सील किया हूँ, पुलिस कहती कभी सील नहीं किया, मेरा कोई एफआईआर नहीं।